हेलो दोस्तों, भाई स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर आप सभी को देखूंगा फोर्थ कैरेक्टर की एबिलिटी एंड स्किल टेस्ट करके। तो दोस्तों मुझे फॉलो कीजिए, आप भी तो जान पाओगे फोर्थ कैरेक्टर की एबिलिटी एंड स्किल क्या है और फोर्थ कैरेक्टर यूज करने से आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, और भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो अभी मतलब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में जो भी न्यू फ्रेश हो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मतलब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं प्रिपेयर के होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, तो आपको भी इस तरह से आना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कैरेक्टर जो ऑप्शन है इसके ऊपर, तो इस कैरेक्टर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ इसका पेज आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आ जाने के बाद आपको इधर फोर्थ कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो फोर्थ कैरेक्टर एक पैसिव कैरेक्टर है, तो फ्री फायर के अंदर पैसिव कैरेक्टर बहुत ही यूजफुल होता है। तो मेरे जो पैसिव कैरेक्टर या दोस्तों फोर्थ कैरेक्टर लेवल 1 पर है, तो इसे लेवल अप करता हूँ। तो लेवल अप करता हूँ तो देखिए लेवल 3 हो चुका। तो लेवल 3 पर देखिए ये जो फोर्थ कैरेक्टर की ओरिजिनल जो ड्रेस है वो आ चुका है। तो आप भी दोस्तों लेवल 4 कर चुका हूँ मेरा जो फोर्थ कैरेक्टर। तो लेवल 4 हो जाने से देखिए इसकी जो एबिलिटी कितना बढ़ चुका है। तो इसकी जो एबिलिटी क्या है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो रिड्यूस डैमेज बाय 16 व्हेन आउटसाइड द जोन। तो इसके मतलब क्या है, तो आप आउटसाइड द जोन हो तो उस टाइम पे दोस्तों 16% तक आपकी जो मेडिकेड है वो दोस्तों कम दोस्तों कट होगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके लेवल कितना लेवल पर कितना दोस्तों एचपी या दोस्तों मेडिकेड या आपकी जो कैरेक्टर की एचपी होता है वो दोस्तों कितना काट होता है या दोस्तों कितना दोस्तों आपको जोन से बाहर रहने के लिए मौका देता है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो लेवल 1 पर 4, लेवल 2 पर 8, लेवल 3 पर 12, लेवल 4 पर 16 इसे लेवल आप करते जाइए। उसके बाद लेवल 6 या लेवल मैक्स पर 24% तक आप इधर इंक्रीज कर सकते हो इस कैरेक्टर के साथ। तो मैं आप लोग को गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं गेम प्ले के अंदर, तो उसके बाद फिर से मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। तो मैं आ चुका हूं गेम प्ले के अंदर। तो एक तरफ है फोर्थ कैरेक्टर, दूसरी तरफ है और एक आधार कैरेक्टर। तो इसके अंदर मैं आप लोग को कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो जोन के बाहर कौन सा कैरेक्टर दोस्तों ज़्यादा देर टिकता है तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो मेरे पास भी कोई भी मेडिकेट नहीं है, और दोस्तों मेरा जो फ्री फायर के अंदर और दूसरा एक कैरेक्टर है उसके पास भी दोस्तों कोई भी मेडिकेट नहीं है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कितना देर तक कौन सा कैरेक्टर इधर अवेलेबल होता है। जैसे कि दोस्तों आप फोर्थ कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में जान चुके हो, तो आप कंपेयर भी करेंगे। तो फोर्थ कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो आप लोगों को फिर से जानकारी दे दूँ। तो फोर्थ कैरेक्टर की जो एबिलिटी है, आप जोन से बाहर सर्वाइव कर रहे हो या जोन से बाहर आप प्ले कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी जो फोर्थ कैरेक्टर की एचपी है वो दोस्तों कम इंक्रीज या कम काट होगा। तो लेवल 6 पर दोस्तों 24% तक कम काट होगा। तो उसके बाद मेरा जो फोर्थ कैरेक्टर है वो लेवल 4 पर है, तो मेरा जो फोर्थ कैरेक्टर है वो दोस्तों 16% तक कम एचपी काट होगा। तो चलते हैं दोस्तों कंपेयर के अंदर। तो देख सकते हो एक तरफ है फोर्थ कैरेक्टर, दूसरी तरफ है फ्री फायर की अदर कैरेक्टर। तो इधर फर्स्ट जोन एंड होने के टाइम पे देखिए ये जो मेरा फोर्थ कैरेक्टर है उसकी एचपी कितना है। तो इधर 114 इस तरीके से मेरा फोर्थ कैरेक्टर की एचपी है, और दोस्तों दूसरी तरफ जो और एक अदर कैरेक्टर है उसकी भी एचपी दोस्तों सेम टू सेम दिखा रहा है। तो इसके फायदा क्या है, फोर्थ कैरेक्टर लेने से क्या फायदा है? तो मुझे तो लग रहा है दोनों ही कैरेक्टर एक साथ ही एलिमिनेट होगा, तो फोर्थ कैरेक्टर लेने से कोई भी फायदा नहीं है आपको। तो इधर दिखा रहा हूँ देखिए एबिलिटी टेस्ट करके, तो आपकी सामने ही दोस्तों आप लोगों को मैं इधर कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो जोन से बाहर दोस्तों दोनों ही कैरेक्टर एक साथ ही एलिमिनेट हो जाएगा शायद। तो देखिए दोनों ही कैरेक्टर एक साथ दोस्तों एलिमिनेट हो चुका है। तो आप देख सकते हो कोई भी एक आदर्श रैंडम प्लेयर की मैं इधर प्लेइंग देख रहा हूँ, तो देख सकते हो किस तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। तो इसी तरीके से जानकारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग को और एक जानकारी दे दूँ, फोर्थ कैरेक्टर लेने से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा।